करेंगे नेशनल एग्रीगेट्स। सिंपली अगर देखो, जैसे लास्ट हमने करा था डोमेस्टिक एग्रीगेट्स, इसमें अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे तो आपको नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे जीडीपी एमपी प्लस एनएफआई, यू गेट जीएनपी एमपी। एनडीपी एमपी में आपने एनएफआई ऐड किया नेट फैक्टर इनकम, सो यू गेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सो जीडीपी एफसी में एनएफआई करा, यू गेट जीएनपी एफसी। एंड एनडीपीएफसी इज अ डोमेस्टिक इनकम, इफ यू एड एनएफआईए नेट फैक्टर यू गेट द नेशनल इनकम। नाउ व्हाट आफ्टर ऑल इज दिस, इसको बस एक्सप्लेन करना। अभी जो नेशनल इनकम है ये मेजर करता है कॉन्ट्रीब्यूशन किसका, रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री प्रोडक्शन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। जो कंट्रीब्यूशन इनसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी है ना, एक पार्ट तो आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और जो दूसरा पार्ट है इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन रेजिडेंट्स, एंड कंट्रीब्यूशन आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो हम क्या करते हैं, अगर हम डिडक्ट करेंगे फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट्स फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड उसमें एड करेंगे, एंड बाय एडिंग फैक्टर इनकम रिसीव बाय रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, देन वी ऑब्टेन, वी विल गेट नेशनल aggregates.